बुद्ध के विषय में एक अच्छी कहानी प्रसिद्ध है। कहानी क्या है कि जब एक बार बुद्ध का जन्म हुआ तो जो उनके राज्य के ज्योतिष थे, अच्छे से अच्छा ज्योतिष, उन्होंने क्या कहा कि ये बालक बड़ा होकर के सन्यासी बनेगा और एक विराट और एक महान सन्यासी बनेगा। तो बुद्ध के माता पिता ने क्या कहा कि नहीं, हमें अपने बालक को सन्यास नहीं बनाना है, हमें अपने बालक को महान राजा बनाना है, सन्यासी नहीं बनाना है। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध, कि हम सिद्धार्थ को जीवन से वंचित रखेंगे, उसे नहीं बताएंगे कि जीवन क्या होता है। जो व्यक्ति जीवन से वंचित रहा वो मृत्यु से वंचित रहेगा। ले उन्होंने निर्णय किया कि हम अपने पुत्र को, सिद्धार्थ को, जीवन की समग्र वस्तुएं देंगे लेकिन जीवन से वंचित रखेंगे। तथा जीवन की सच्चाई क्या है, क्योंकि जीवन, जिस व्यक्ति ने जान लिया कि जीवन क्या होता है, मृत्यु क्या होता है, सन्यासी हो गया, वो जीवन से वंचित हो गया, वो मोक्ष पा गया। इसीलिए उनके पिता ने, सिद्धार्थ के पिता ने क्या किया, सिद्धार्थ के पिता ने उनको मदिरा, भोग, विलासा की समग्र वस्तुएं रखी उनके सामने, और वो सिद्धार्थ बचपन से उसी में डूबे रहे। लेकिन वो एक बात को नहीं जानते थे कि जब किसी भी वस्तु की अति हो जाती है उसके बाद वो नीचे आता है। अब भोग विलास खूब हो गया था, ऊपर तक अति हो गई थी, अब उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है, अब सन्यास की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया है। जैसे सूर्य, जब आप देखिए दोपहर में सूर्य अपने तीव्र पर होता है, अपने चरम पर होता है, उसके बाद वो ढलने लगता है, ढलने लगता है धीरे धीरे। जब आप अति पर पहुंच जाएंगे उसके बाद दूसरी सीढ़ी पर पैर रखना होता है। बिल्कुल यही कार्य गौतम बुद्ध के साथ हुआ। जब वो अति तक पहुंच गए फिर वो सन्यासी बन गए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि जो हम भोग रहे हैं इसमें क्या, ये व्यर्थ है। जो व्यक्ति जान गया कि ये जो जीवन है ये व्यर्थ है, सन्यासी हो गया। यही तो है सन्यास। गौतम बुद्ध के साथ तो वैसा ही हुआ, उनको भोग विलास में रखा गया। इसलिए जो भारत की परंपरा रही है कि अपने बच्चों को भोग विलास के वस्तुओं से बिल्कुल दूर रखिए, परंपरा क्या रही है कि 25 वर्ष तक बच्चों को गुरुकुल में भेजिए, आश्रम में भेजिए, ताकि वो इन सब चीजों से दूर रहे, फिर उनका संन्यास में मन लालायित नहीं होगा। संन्यास में मन लालायित नहीं होगा, लालायित तो होगा तो भोगने के बाद होगा, अर्थात 25 वर्ष तक हम उनको दूर रखेंगे तो अगले 25 वर्ष तक वो भूखेंगे, फिर अगले 25 वर्ष के बाद वो संन्यास की तरफ विचार करेंगे। तो भारत की जो परंपरा रही है कि बच्चों को बिल्कुल स्त्रियों से दूर रखो, स्त्रियों को बिल्कुल पुरुषों से दूर रखो, तब उनके अंदर एक आकर्षण पैदा होगा। जब आकर्षण पैदा होगा तो दोनों क्या करेंगे, समाज में रहेंगे, संसारी रहेंगे, सन्यासी नहीं बनेंगे। क्योंकि तो सन्यासी वही व्यक्ति बनता है जो भोग लिया और भोगने के बाद जान लिया, या फिर सन्यासी वो व्यक्ति बनता है जिसने जान लिया। महत्वपूर्ण भोगना नहीं है, महत्वपूर्ण जानना है। अगर आपने भोगने से पूर्व जान लिया कि भोग व्यर्थ है, सन्यासी बन गए। और भोगने से पूर्व नहीं जान पाए तो भोग क्यों से जानिए कि सब कुछ व्यर्थ है,